सो हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। तो आज कर रहे हैं मोटर ब्लॉग, क्योंकि अपनी जितनी भी एसेसरीज थी GoPro की माउंट वो सब आ चुकी है, तो बताना एंगल कैसा लग रहा है। और आपके भाई ने टैंक पे दो चीज़ कराई है, एक तो GoPro का स्टिकर, ऊपर से अपना इंस्टाग्राम का हैंडलिंग, जो कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज, आज का थंबनेल आप सबने देख ही लिया होगा। तो आज हमारा इन्विटेशन है बजाज शोरूम में, बैद्यनाथ बजाज में, तो आज वहीं जा रहे हैं। वहाँ पर दो बाइक आई हुई है, N250 और F250, उसी का आज लॉन्चिंग इवेंट है, तो वहीं जा रहे हैं अभी। तो बहुत दिन से मैं जब भी वीडियोस डाल रहा हूँ अभी लगातार कंटिन्यू आप सबके लिए, तो क्या गाइज आप लोग रिस्पांस नहीं दे रहे हो, व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं, देखा करो वीडियो। अब बताओ मेरी गलतियाँ, मुझे बताओ मेरी क्या गलतियाँ हैं, उसे मैं इम्प्रूव करूँगा। तो फिलहाल अभी हम कारमल के आगे हैं और यहाँ से अप्रोक्स 2-3 किलोमीटर है। मज़ा आ रहा है अभी, मेरे को नहीं पता कि व्यू कैसा आ रहा होगा, वो तो एडिटिंग करते समय पता चलेगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं थोड़ा। तो कल ही आया था इनविटेशन, बोला गया था 3 बजे आने, तो थोड़ा लेट हो गया, घर के काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो अभी जो भी आप ऑडियो सुन रहे होंगे वो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इसका माइक एडेप्टर नहीं मंगाया है, वो भी जल्दी मंगा लेंगे। आज तो ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं ये वीडियो डालूंगा कि भी नहीं, पता नहीं कैसा व्यू आ रहा होगा। तो हम तो पहुँच गए हैं, देख लेते हैं, पीछे तो कोई नहीं है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है आज, शायद मैं लेट हो गया, खैर कोई नहीं, गाड़ी को पार्क करते हैं जल्दी से। थोड़ा लेट बट कोई नहीं, थोड़ा ही लेट हुआ है, ज़्यादा नहीं। हम तो आ गए थे, बस थोड़ा सा लेट हो गया। अभी जा रहे हैं पल्सर N250 की राइड लेने के लिए दोस्तों। तो सीटिंग पोजीशन तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई मुझको, क्योंकि मेरी जो बाइक है उसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा आगे की तरफ झुका हुआ है, बट इसका बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अच्छा लेट हो गया था शोरूम आते आते, जिस वजह से तो पूरा मतलब लॉन्च हम नहीं देख पाए, बट हाँ जब तक पहुँचे तब तक थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था इवेंट। तो फाइनली हमने दोनों बाइक्स की वीडियोज़ बनाए, आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ है, वीडियो को ज़रूर पसंद करिएगा आप लोग। और अभी इसे राइड रिव्यू के लिए थोड़ा सा लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा चला के देख रहे हैं कि इसका पिकअप और इसका रिस्पांस कैसा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी और कॉपीराइट का भी इशू हो सकता था कि गाने जो बज रहे थे वो थोड़े से हमारे यूट्यूब में बहुत दिक्कत करते हैं, जैसे आप सबको पता होगा। अभी फ़िलहाल इसे थोड़ा सा भगा के देखते हैं इसका इनिशियल पिकअप कैसा है। थ्रॉटिंग रिस्पांस इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको गियर पोजीशनिंग में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही स्मूथली अप एंड डाउन होती है। इसमें आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिलता है, जिस वजह से गाड़ी और ज़्यादा ही अच्छी लगती होगी, चलाने में मज़ा आता है। बात करें डोमिनार 250 और इसके बारे में, N250 के बारे में, तो मुझको डोमिनार ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका एग्रेसिव आवाज़ भी है। इसमें आपको पता नहीं इसका एग्जॉस्ट सुनाई दे रहा होगा कि नहीं,
बट हाँ डोमिना 250 कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब भागने की कोशिश करती है, ये भी भाग रही है बट उसके मुकाबले ये थोड़ी कम है, बट आई लव इट, इसे राइड करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई खाली जगह देख के आपको एक बार फिर से बाइक दिखा देते हैं और थोड़े से बाइक के बारे में आपको बता देते हैं। हमारे पीछे भैया बैठे हुए हैं जो कि बजाज कंपनी में ही काम करते हैं, तो वो बताएंगे आपको किसका प्राइस और क्या क्या चीज़ है इसमें। यहाँ पर खाली है, शांति है, यहीं पर रोकते हैं बाइक और आपको बाइक दिखाते हैं। तो बाइक का सीटिंग पोजीशन से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, आपको कंफर्टेबल फील होगा और आप देख सकते हैं फुल नेकेड बाइक है, तो लुक्स वाइज भी आपको पसंद आ जाएगी बाइक। और फ्रंट लुक तो इसका बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, पीछे में आप देख सकते हैं रेयर लुक, तो वो आपको डोमिना 250 ही जैसा मिलेगा देखने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस इसका जो टेल आईडी है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, और आगे की तरफ बात करें तो आगे की तरफ आप देख सकते हैं DRLs आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं भैया से, तो आइए भैया, जो कि बजाजी कंपनी में काम करते हैं और इन्हीं के हेल्प की वजह से अभी हम यहाँ पर बाइक लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर प्राइस के बारे में, तो भैया सबसे पहले इसका प्राइस बता दीजिए। देखिए सर, ये जो गाड़ी है सर पल्सर 250N है, ठीक है, इसकी प्राइस जो है सर अभी मार्केट में 1,40,531 रुपये एक्स शोरूम रखी गई है जी, ठीक है, जो झारखंड की अभी की प्राइस है। जी जी जी, तो ये एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आपको ऑन रोड प्राइस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, भैया का भी नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कर लेना। अगर आप गिरिडीह या फिर इसके आसपास में बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी बाइक लगी क्योंकि फुल नेकेड में है, और जैसे कि आप लुक देख सकते हो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है। और इसका आगे का DRL आपको एक बार दिखा देते हैं फिर से, तो आप देख सकते हो DRL इसका विथ प्रोजेक्टर, जिसका आप थ्रो देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक लग रहा है। तो आज तो हमने इसका एक राइड रिव्यू ले लिया और इसका जो इनिशियल पिकअप था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्रेकिंग भी अच्छी है। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बाइक N250 लेनी है कि F250, तो आप ज़रूर आएँ और शोरूम में विज़िट करें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।